शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य संसदीय सचिव आशीष व एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में बैच आधारित नियुक्तियों व पदोन्नति के ऐसे मामलों को जल्द निपटाया जाएगा जो न्यायालय के मामलों से अलग है। उन्होंने कहा कि ऐसे 12,000 रिक्त पद शिक्षा विभाग में है जिन्हें जल्द ही भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा प्रदेश शिक्षा विभाग में एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन विभाग में लगभग 12,000 पद रिक्त हैं। इन पदों के लिए बैच वाइज भर्ती और प्रमोशन के मामले लंबित हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि कुछ मामले न्यायालय में भी चल रहे हैं। ऐसे में जो मामले न्यायालय में विचाराधीन नहीं है उन पदों पर सरकार जल्द ही चरणबद्ध तरीके से भर्तियां और प्रमोशन करवाएगी। इसके अलावा पूर्व सरकार के दौरान खोले गए शिक्षण संस्थानों पर उन्होंने कहा कि अनेकों संस्थान पूर्व सरकार ने चुनाव जीतने की मंशा से खोले, उन पर भी चर्चा की जाएगी। अनेकों संस्थान ऐसे हैं जो फंक्शनल नहीं है, तो कुछ संस्थानों में कोई छात्र ही नहीं है। ऐसे में विचार के बाद इन संस्थानों को खोलने या बंद करने पर विचार किया जाएगा। न्यूज डेस्क एनालाइज।